हम बात करेंगे कुवैत टी ट्वेंटी एलिट कप का एक बेहतरीन टी टेन मैच के बारे में, जो खेला जाएगा अल हजारी वर्सेस एनसीएमआई इन्वेस्टमेंट के बीच में। दोनों टीम ने टूर्नामेंट में चार चार मुकाबले खेले हैं, केवल एक एक मुकाबले जीती है, क्योंकि मैंने इनका स्कोर कार्ड लिखा है। ओवरऑल दोनों टीम एवरेज टीम है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं गएंगे। सब चीज़ें मैंने लिखी है वीडियो में, हर एक चीज़ बताएंगे जिस आप एक बेहतर वाली खुद से टीम बना पाओगे। अगर आप पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखोगे ना तो भाई सब कुछ आप कर पाओगे, ठीक है, खुद से। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना। उसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। टेलीग्राम पे आफ्टर टॉस जो भी होगा, जिस टीम से खेलेंगे सेम टीम टेलीग्राम आपको चैनल पे दे देंगे। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे या फिर आप सर्च करेंगे @FXpert, हमने जैसे लिखा है सेम टू सेम लिखेंगे दोस्तों, 15,100, 200, 300 समथिंग आपको सब्सक्राइबर दिखने वाले हैं। और कृपा करके आप यहीं पर क्लिक करके जुड़ना। मैंने बोल दिया कि फर्दर अपडेट आएगी टेलीग्राम पे, आपको टीम दी जाएगी तो टेलीग्राम पे जुड़ना। बात करेंगे मैच टाइमिंग के, 10:30 बजे मुकाबले होंगे, वेन्यू सेम रहेगा, विकेट ओवरऑल हम बैलेंस करेंगे, ज़्यादा अंतर है नहीं बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड में। पहले बात करेंगे दोस्तों एनसीएमआई टीम की, इनकी टीम का आप लास्ट चार मैच का स्कोर कार्ड देखोगे, जो कि इसी टूर्नामेंट में खेला गया था, वहाँ पर इनकी टीम से केवल एक मुकाबले जीती थी। स्कोरिंग बहुत तगड़ा तगड़ा करी है, नो डाउट, मतलब इनकी टीम बढ़िया टीम है, स्कोरिंग 180-190 कर सकती है, दमखम है। ओपनर रहेंगे नासिर हुसैन सिगत, इनके साथ आएंगे मोहम्मद फारूक। लास्ट लगे में मोहम्मद फारूक ने ओपनिंग करा था, बट स्टार्टिंग तीन गेम में ना ओपनिंग नहीं करा रहे थे। नासिर हुसैन सिगत आपको पहले विकेट कीपर सेक्शन में देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट लगे में ना क्या हुआ था कि इन्होंने बॉलिंग करा रहे थे। बॉलिंग करने का रीज़न है कि इनके एक और विकेट कीपर के रूप में खेल रहे थे, जिनका नाम है नवीज, ये भी विकेट कीपर में ही है और ये विकेट कीपिंग करा रहे थे, इसलिए इनको नासिर हुसैन सैयद को टीम बॉलिंग में यूज़ करी थी। नासिर हुसैन सैयद वैसे भी विकेट कीपर सेक्शन से सेफ रहेंगे, 6 रन 62 रन 1 रन 1 विकेट 2 रन, बढ़िया है क्योंकि ओपनिंग करा रहे थे, विकेट कीपर सेक्शन से आप इनको ले लो। मोहम्मद फारूक 48 रन करा है, तो अगर टीम इनके साथ ही कंटिन्यू ओपनिंग कर सकती है। लेकिन एक चीज़ और है कि नवाब दत्तरकार भी टीम के मेन ओपनर है, तो क्या पता कि नवाब दत्तरकार नासिर हुसैन सैयद ओपनिंग कर जाए, फारूक को टीम वन डाउन खिला जाए, मतलब फारूक अभी इम्पोर्टेंस से रहेंगे क्योंकि स्कोरिंग करा है, तो टीम अगैन मतलब ऊपर खिलाएगी। 48, 11, 4 और 21 करे सेफ रहेंगे। निमिश लतीफ जिनको हमने वीसी किया था, 35 रन 1 विकेट 15 रन 1 विकेट 2 विकेट, हर गेम में बॉलिंग, हर गेम में बैटिंग, सी एंड वीसी आप बिल्कुल भी कर सकते हो। नवाब दत्तरकार भैया लेने हैं, बल्लेबाज बहुत तगड़ा है, अब तक दो ही मुकाबले खेले, लास्ट लगे में 0 पे आउट हुआ था, बट पहले वाला गेम में 51 रन करे थे, बल्लेबाजी क्रम में अवेलेबल है, लास्ट लगे में सेकंड डाउन खेला था, लेकिन अगर इनको टीम मतलब ओपनिंग में मेंशन कर सकता है। मंजुला प्रसाद ने 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाले थे, बॉलिंग बैटिंग ये भी कराते हैं, आप इनको भी ट्राई करो। हारून सहीद लास्ट के 2 गेम में 1 विकेट है, बट हर गेम में 4 ओवर, विकेट टेकर बॉलर है, विकेट ने बहुत निकाले हैं। मकरानी भी 1 विकेट निकाला था, बल्ले से 24 रन करे थे, बॉलिंग बैटिंग करने का दमखम है, आप रखिएगा। मोहम्मद शफीक ने 1 विकेट निकाल गए थे, उसके पहले वाला गेम में 12 रन 1 विकेट 20 रन 2 ओवर 20 रन 1 विकेट 4 ओवर। इंडिका मंगलम ने बॉलिंग नहीं कराई थी, छोड़ेंगे, जितिन जोसेफ भी को कुछ खास नहीं करा था, बाकी नवीज तो विकेट कीपर बल्लेबाज है। तो हम इस टीम से नासिर हुसैन से पहला, फारूक दूसरा, निमिश लतीफ तीसरा, ददरका चौथा, मंजुला प्रसन्न पाँचवा, हारून सही छठा, मकरानी सातवा। तो इस टीम से कम 7-8 प्लेयर्स को, शफीक को भी आपको ट्राई करने हैं क्योंकि इनका भी हर गेम में 4 ओवर मिलता है। बेंच वाले जो प्लेस बैठे हैं स्टैस अवेलेबल है, कोई कैंपर भी खेलेगा, टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दी जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सामने वाली टीम है यहाँ पे एएलएच की टीम से भैया, इनकी टीम ने भी 4 मुकाबले टूर्नामेंट में खेली है, जहाँ पे 1 मुकाबले जीती है, उनके अलावा मुकाबले इनकी टीम से हारे हैं। बहुत ज़्यादा विकेट लेस इनका हुआ है, नो डाउट, 126 पे 9 116 पे 10 122 पे 10 विकेट इस टीम का गिर रहा है, चीज़ आप माइंड में रख के चलिएगा। ओपनर थे लास्ट लगे में मोहम्मद असलम, इनके साथ आए थे हसन हरीफ, भाई हसन हरीफ तो ओपनर है ही है, मोहम्मद असलम ओपनिंग करा रहे प्लस बॉलिंग कर रहे तो सेफ रहेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल है मोहम्मद असलम को, आप इस मौली की टीम में अगैन मतलब रखिएगा असलम, ठीक है, सेफ रहेंगे और आपको लेने हैं। 3 रन 3 ओवर 56 रन 1 विकेट 3 ओवर, हर गेम बॉलिंग हर गेम में बैटिंग करा रहे, आप असलम को मतलब ले लो। उनके साथ आए थे लास्ट लगे में हसन हरीफ, जो कि ओवरऑल ठीक ठाक बिक रहेंगे, लास्ट लगे में 7-0 8-12 मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दम कम है क्योंकि हमने एलिट टी टेन कप का टूर्नामेंट देखा था 24 के अंदर, जहाँ पे 7 मैच में 174 रन था, आउट ऑफ होम चल रहे। उस्मान वाहिद भी बल्लेबाजी क्रम में ही है, इनसे बेहतर है कि उस्मान वाहिद को ले लो, लास्ट लगे में 47 रन करा था, रिसेंट का फॉर्म इनका भी बहुत ज़बरदस्त है, 24 के अंदर एलिट टी टेन टूर्नामेंट खेला था, 6 मैच में 148 रन था, 30 के एवरेज से, तो इनसे बेहतर रहेगा कि हसन हरीफ से बेहतर
उस्मान वाहिद को ले लो। उनके बाद आज है शंकर वर्थापन, उनके विकेट कीपर बल्लेबाज, सिलेक्शन काफ़ी कम है लेकिन आपको इस मौली की टीम में लेने हैं। दमखम बहुत तगड़ा है, 4 रन कर रहे थे। एहसानुल्लाह छोड़ेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी शंकर वर्थापन को भी कराए। माजी तंबे 0 पे आउट हुआ था। हमौर जांडू बढ़िया ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर सेक्शन में अवेलेबल है। आप इनको कैप्टेंस वाइज कैप्टेंस ना करो बट प्लेयर आप रखो क्योंकि बॉलिंग बैटिंग हर गेम में आपको 4 ओवर डालते नजर आएंगे, प्लस कुछ कुछ स्कोरिंग भी है, प्लस विकेट भी निकाले हैं। हसन मियां काजी ने लास्ट के 3 गेम में 39-13-26 करे हैं, प्लस लास्ट के 2 गेम से टीम इनको डेथ में यूज कर रही है। 2 ही ओवर कर रहे हैं लेकिन डेथ में कर रहे हैं। अमर वसीम ने कुछ खास नहीं करा है, मुराद भी कुछ खास नहीं है, मफाज भी कुछ खास नहीं है भैया, क्योंकि एक तो इस टीम से रन नहीं बन रहा है, सामने वाली टीम बहुत जल्दी चेज कर ले रही है ना, इसलिए जो भी टीम के मेन मेन बॉलर हैं उनको बॉलिंग पूरा मतलब कोटा हो नहीं रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, हम इस टीम से असलम को पिक करेंगे पहला, उस्मान वाहिद दूसरा, ठीक है, जांडू तीसरा, चौथा रखने हैं तो आप ट्राई करो हसन मियां काजी को या फिर आप शंकर वर्थापन को ले सकते हो। शंकर वर्थापन बल्लेबाज बहुत तगड़ा है, इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो आई थिंक मैं इनके साथ ही जाऊंगा। बेंच वाले जिस जेकब है, और भी बल्लेबाज है, बहुत और भी ऑलराउंडर है, कुमारन रवि, बहुत सारे प्लेयर्स है, तो अगर इनमें से कोई प्लेयर्स अगर खेलता है तो फिर उनके स्टैट्स वगैरह जो भी चीज़ें होगी मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा। विकेट कीपर में नासिर हुसैन सैयद को ले रहे हैं बट अगर ये नहीं खेला तो मेरा शंकर वर्थापन पीक रहेगा विकेट कीपर सेक्शन से। बल्लेबाजी में उस्मान वाहिद, नवाब तदरकार, फारूक शरीफ भाई 48 रन कर रहा था, इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी बिल्कुल भी रखेंगे, ठीक है। उनके अलावा आएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में हमौर जांडू, मंजूला परेशान, हारून सईद, बाकी शफीक, निमिस लतीफ, ठीक है। फिर आएंगे बॉलिंग सेक्शन में, अदनान मकरानी को हम पिक करेंगे, और देखो सारे के सारे स्क्वाड में न्यू प्लेयर्स एड हुए ना, ठीक है, असलम को हम रख लेंगे, बाकी निमिस लतीफ अभी के लिए मेरा कैप्टन रहेगा और यहाँ पे असलम मेरे वीसी रहेगा, बट आप असलम को जगह पे अदनान मकरानी को वीसी कर सकते हो, अब अपने हिसाब से करिएगा। मेरा डेमो टीम में फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके जुड़ जाओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना, बेस्ट।